क्या कर रहा है? नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। आईवी टीवी के फेसबुक पेज पर 30 तारीख को वक्त साथ 4:30 बजे और 11 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया जाता है। ये वीडियो हमारे पास आता है हमारे सहयोगी के द्वारा। बता दें कि इस वीडियो के आने के बाद, इस वीडियो को जब अपलोड किया जाता है तो 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है। ऐसे में एक कॉल आता है हमारे सहयोगी के पास, उनसे बातचीत होती है। इस वीडियो में जो व्यक्ति है, आपको बता दें कि ये सहरसा स्टेशन का वीडियो है, जहाँ पर मानसिक रूप से कमज़ोर एक व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ जाता है और लोको पायलट जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर बैठ कर ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसे में अब तक इसको 25 लाख लोगों ने देख लिया है और ऐसे में 25 लाखों में से एक व्यक्ति का फोन आता है, जो व्यक्ति हमारे सहयोगी अंशु सर से बात करता है। पहले हम जानेंगे कि ये वीडियो किस प्रकार से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर के पास आता है, उसके बाद किस तरह के फोन आते हैं, कहां से ये फोन आता है। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति थे, जो ट्रेन चलाने की कोशिश की कर रहे थे, उनको लेकर किस तरह की दावेदारी की जा रही है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको चाहेंगे कि वो 11 सेकंड का वीडियो आपको दिखाएं जो फेसबुक पेज पर आईवी टीवी के द्वारा अपलोड किया गया था। और देखिए, अब तक 25 लाख से ज्यादा इसको लोगों ने देख लिया है। सब वीडियो दिखाने की बात कर रहे हैं हम, आपने वो वीडियो देख लिया है। ऐसे में पहला सवाल है वीडियो को लेकर कि ये वीडियो आपके पास कहां से आया और वीडियो के अपलोड होने के बाद कहां से फोन आया, कौन दावेदारी कर रहा है मानसिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उनको लेकर। देखिए बिना, हम और आशुतो भैया बैठ करके न्यूज के बारे में कुछ बात कर रहे थे। उस वक्त सहरसा से एक वीडियो हमारे पास आता है, उस वीडियो को हम देखते हैं और आशुतो भैया को भी दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग को वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा फनी भी लगता है, क्योंकि एक आम इंसान ट्रेन को नहीं चला सकता है, उसके लिए चलाने के तमाम एक ये होता है। उसके बाद हाँ, लोको पायलट की बहाली वगैरह तमाम चीज़ें होती है। खैर, उस वीडियो को जब हमारे पास आता है तो हम उसको इनसे बात करते हैं, उसको हम फेसबुक पर अपने फ़ोन से ही मतलब पोस्ट कर देते हैं। और बाद में ये भी बातें होती है, जो होगा तो इस पर हम लोग पैकेज भी बनाएंगे, ये चीज़ें होती है। लेकिन व्यस्तताएँ, तमाम चीज़ें और भी खबरें के पीछे, ये खबरें थोड़ी सी ध्यान से उतर जाती है। लेकिन ऐसा होता है जो बातों बातों में जब ये चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो यह मिलियन क्रॉस रहता है। हम लोग इसकी खुशी भी जाहिर करते, भाई जी वीडियो है, मिलियन चला गया। लेकिन इस वीडियो को तकरीबन, जैसे आप बता रही हैं, अभी भी लोग इंगेज हैं। 25 लाख लोग से अधिक लोग, मतलब जो भी लोग हैं अभी भी लोग देख रहे हैं। ऐसे में एक फ़ोन कॉल आता है हमारे पास, और ये फ़ोन कॉल कब है? ये फ़ोन कॉल आपको कल समथिंग हमारे पास, हाँ 2 अप्रैल को ये हमारे पास फ़ोन कॉल आया सुबह में तकरीबन 10-11 बजे। तो हम उस वक्त शायद बाइक चला रहे थे, तो हम उस फ़ोन को, उसको बोले ठीक है, हम ऑफिस पहुँच के आपको हम फ़ोन करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी बात उससे हुई, और उस वक्त बात हुई तो वो भी व्यक्ति से ढंग से चीज़ें निकलने पर, क्योंकि वो भी बाहर थे। उसके बाद तीसरी बार उन्होंने खुद कॉल किया वापस। कॉल करने वाले का जो नाम है महेंद्र कुमार बेरुआ है, और ये सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। कोटा में रेलवे स्टेशन पर, रेलवे में अब किस ग्रुप डी में है या किस में है, वो जॉब करते हैं, हाँ राजस्थान, कोटा राजस्थान। लेकिन सवाई माधोपुर में एक जगह है खंडार विधानसभा, वहाँ से अशोक बेरुआ MLA हैं कांग्रेस के, ठीक है। खंडार विधानसभा के अंतर्गत जो है आपको रवाजा डूंगर नोमिनी करके एक गांव है, ये खंडार विधानसभा में ही आता है। जो महेंद्र का कॉल आता है, महेंद्र ये कहते हैं हमारे ताऊ के लड़के हैं, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, उसे सर आप लोग भेज सकते हैं तो भेज दीजिए। हम बोले कौन? तो उन्होंने बताया जो आपके एबी टीवी पर जो है एक वीडियो चली है, जिस वीडियो में जो लड़का को दिखा रहे हैं आप लोग, जो ट्रेन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो रागीर है ट्रेन, दरअसल बिना इसके पीछे ये था, जो वो व्यक्ति विक्षिप्त है, सहरसा स्टेशन पर रहता है, कई लोग उसको जानते भी, जो वहाँ के लोकल हैं, जो भाई ये यहीं पर रहता है। उसी क्रम में कोई ट्रेन का खुलने का समय, जैसे कि मान लीजिए आधा घंटा लेट है, छोटा स्टेशन है, गाड़ी आके रुक जाती है,
उस वक्त ट्रेन के अंदर लोको पायलट की जगह पे कोई नहीं था, वो व्यक्ति चढ़ गया था। तो लोगों के ध्यान पर भाई ये चढ़ा गया कुछ हो जाएगा, तो धोप के उसको उतारने की कोशिश किया, भाई उतरो, उतर भी गया। तो वो कह रहा है जो जिसको उतारा गया है ना ट्रेन पर से, जो व्यक्ति का तस्वीर देख पा रहे हैं, वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, जो कि यही खंडार विधानसभा के अंतर्गत डूंगर में जो है, रवाजा डूंगर एक गांव है, नोमनी करके गांव है, जो एक बस्ती है वहीं से है। और इन्होंने ये कहा जो इनके माता पिताजी बहुत गरीब हैं, ये मानसिक रूप से कमज़ोर है और तकरीबन घर से जो है मतलब भाग गया है, विक्षिप्त है, भाग गया है, तो हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। तो हमने उसको बस यही कहा जो ये भी बता दे, महेंद्र का भाई है जो कमलेश कुमार बिरुआ, जो वहीं पर रहता है गांव में, उसके ताऊ जी क्लर्क हैं। हमने कहा है जो डॉक्यूमेंट वगैरह उपलब्ध करवाइए, माता पिता कौन है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे तमाम चीज़ों को। लेकिन उन्होंने कहा जो सर 110% ये वही लड़का है, इसके हाथ पे कुछ उसका नाम भी लिखा हुआ जो वो कह रहे थे, लेकिन गरीबी के कारण जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, इसके माता पिताजी गरीब है, हम चाहेंगे जो आप इसे भेज दीजिए। तो हमने कहा भाई देखिए, हम एक न्यूज़ चैनल के हम एक सहयोगी हैं, न्यूज़ चैनल में जो चीज़ें हैं आपको दिखाने की चीज़ें वो हम दिखाते हैं। हाँ, अगर आप इस पर दावा कर रहे हैं तो आपके पास तो कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ होगा, बचपन का फोटो होगा या आधार कार्ड होगा, तो ये कब सर सब कुछ है पास में और 110% ये वही लड़का है। तो हम बोले जो आप पटना आइए, पटना आकर के हमारे चैनल पर जो साक्षात्कार करिए, जो हम लोग से कोशिश हो सके कि भरसक हम आपको वहाँ तक पहुँचें, क्योंकि देखिए कोई भी दावेदारी कर सकता है ना, ये भी चीज़ें हैं, समझने की बात है। लेकिन इसको अगर वो उसका है तो इस मुहिम में हम लोग शामिल होंगे और कोशिश करेंगे उसके परिवार वालों को उस तक मिला दिया जाए। और हम चाहेंगे जो आशुतो भैया से इस मुद्दे पर बात कर लीजिए ताकि वो भी चीज़ों को बताएं। और देखिए दूसरा सवाल ये है कि क्या जब आपसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि कब वो राजस्थान से यहाँ आ गए हैं या फिर कितने दिन से वो घर से गायब है? देखिए ये बातें उन्होंने यही कहा जो तकरीबन जो उन्होंने कहा 4 महीना, ठीक है, लेकिन जो लोग हैं जानने वाले सहरसा, क्योंकि सहरसा हम लोग का नेटिव प्लेस है तो उधर से जाना आना लगा रहता है, तो आप अनुमान देखेंगे जो कई ऐसे स्टेशन हैं आपको वहाँ पर 2-3-4-5 विक्षिप्त लोग मिल जाएंगे, पटना जंक्शन भी जाएंगे वहाँ भी। तो जो हम लोग तस्वीर चला रहे हैं उस तस्वीर के माध्यम जो बातें वो कह रहा है महेंद्र बिरुआ जो रेलवे में काम करते हैं, वो कह रहे हैं जो तकरीबन 4 महीने से जो है ये लोग ये लापता है। और बड़ा अच्छा नाम बताया था उसका, नाम मेरे दिमाग से मिस्टेक कर रहा है, और रिकॉर्डिंग जब प्ले होगी सर उसमें नाम का भी जिक्र ही है, रिकॉर्डिंग प्ले भी हो चुका है, दर्शक ने सुना भी होगा। चाहूंगी कि वो रिकॉर्डिंग आप सुने जो अंशु सर ने बातचीत की है, जो ये दावेदारी कर रहे हैं कि जो नाम भी उसने कहा, उसके बाद ये कहा जो उसके हाथ पे कुछ लिखा भी है। हेलो हेलो जी, हेलो, हाँ जी जी, आईवीटीवी न्यूज चैनल से बोल रहे हैं। हाँ, बोलो। कुछ जानकारियां आपसे प्राप्त करनी है। हाँ, बोलो बोलो। आप राजस्थान में कहाँ से बोल रहे हैं? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से? सवाई माधोपुर में मतलब किस जगह से, प्रखंड या अगर अनुमंडल की बात करें या पीएस की बात करें तो कहाँ से? ये रवाजना से। रवाजनाथ? रवाजना डूंगर। रवाजनाथ डूंगर? हाँ। अच्छा, ये थाना कौन सा आता है? ये आता है रवाजना डूंगरी। रवाजना डूंगरी, वहाँ की विधायक कौन है? वहाँ के अशोक बेरवा। अशोक बेरवा? हाँ। अच्छा, आप क्षेत्र से, आप जो ये बोल रहे हैं जो उस लड़के के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप उसके कौन हुए? मैं चाचा हूँ उसका। चाचा है? आप क्या करते हैं? खेतीबाड़ी का काम करते हैं हम। खेतीबाड़ी का काम करते चाचा है। आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? कमलेश कुमार बेरवा। कमलेश कुमार बेरवा, तभी तो आपने महेंद्र बोला था। वो मेरा छोटा भाई था। अच्छा, कमलेश कुमार बेरवा आप लिखते हैं ना। हाँ। अच्छा, उसके जो वो जो लड़के के पिताजी है उसका नाम क्या है? रामकिशन बेरवा। रामकिशन बेरवा? हाँ। अच्छा, वो आपके कौन लगते हैं रिश्ता में? भाई। रिश्ता में ताऊ जी का लड़का लगता है ना। हाँ। देखिए आपका नाम रामकृष्ण बेरवा ना? मेरा नाम कमलेश कुमार बेरवा। अच्छा, उसके पिताजी का नाम रामकृष्ण बेरवा। हाँ। उसके माताजी का नाम? फूला देवी। फूला?
फूला देविया। अच्छा, वो कितने भाई है वो लड़का? दो भाई है वो। दो भाई है, एक वही रहता राजस्थान में रहता है? एक राजस्थान में रहता है, घर पे छोटा भाई है अभी। वो घर से कब कब निकला था घर से? वो एग्जैक्ट बात बताइएगा। घर से 4 महीने हो गए उसको। घर से 4 महीने हो गए वो निकला है ना। अच्छा, और क्या कहते हैं, आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसके माँ बाप क्या करते हैं? वो भी खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी है वो बिल्कुल भी। अच्छा, वो घर से क्यों भागा था वो लड़का? भागा नहीं, वो खुद ही माइंडली संतुलन बिगड़ गया उसका, वो निकल गया यहाँ से। दिमाग चल रहा है। आप तो वो वीडियो देख करके आप कैसे सत्यापन कर सकते हैं जो वो लड़का वही है? क्या नाम है उसका, जिस लड़का को आपने देखा वीडियो? 101% वही है, वो मोहनलाल बेरवा है। तो मोहनलाल बेरवा नाम है उसका? हाँ। ओके, तो आप लोग उसको सहरसा से वापस ले जाने के लिए, देखिए हमारा जो न्यूज चैनल है, हमारा न्यूज चैनल जनता की बातों को उठाता है, ठीक है? जो चीज लगता है वो आपने आज अगर वीडियो देखा तो वो कहाँ देखा आपने? फेसबुक पे। फेसबुक पे किस पे, किसी चैनल पे देखा ना? हाँ, आपके आईवीटीवी पे। आईवीटीवी पर आपने देखा, तो आप अगर उसे, आप क्या चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं? हाँ, मिल जाएगा तो ले जाना चाहते हैं। तो आप एक काम करिए, आप अगर आप उसके चचेरे भाई हैं, ताऊ जी का लड़का है, तो आप पटना आ जाइए, ठीक है? सहरसा से, सहरसा में जो हमारे रिपोर्टर हैं, मैं उनको भी लाइन अप कर दूंगा और आपको यहाँ से ले जाने में जितनी हमारी सहायता होगी हमारे न्यूज चैनल का, वो मैं करूँगा, ठीक है? आप पटना आ जाइए, पटना आकर के एक बार हमारे चैनल से एक बार बातचीत कर लीजिएगा। उसके बाद जो सहरसा में हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने वीडियो मुझे भेजा था, उनसे भी आपको बातचीत करवा देंगे, लाइन अप करवा देंगे। अगर चीजों का सत्यापन हो जाएगा, जो वो आपका ही ताऊ जी का लड़का है, आपके पास तो एविडेंस उसका होगा, जो हमारे पास बोल रहे हैं, तो आपके पास कुछ कागजी एविडेंस भी होगा, आधार कार्ड होगा उसका, बचपन का कुछ फोटो, बचपन का पास फोटो भी है, सब कुछ है, और हाँ हाँ लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो आप आइएगा, तो हम लोग आईवीटीवी न्यूज नेटवर्क आपको पूरी सहायता, पूरी मदद करेगी इस मुहिम को सफल बनाने में, ठीक है? तो आप कब आना चाहते हो? अब पैसे वैसे की व्यवस्था करके आएंगे ना हम। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि क्या है ना, किसी व्यक्ति को देख करके अगर आप कह रहे हैं, तो ये चीज हमारा काम है, सच्ची खबरों को लोगों तक पहचाना और पहुंचाना। हाँ। और ये खुशी की बात है जो आपने देखा तो आप कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, प्रशासनिक चीजें होती है इसमें कि हमें और आप सभी को सहयोग करना चाहिए। तो हम, हमारी जो चैनल है वो पूरी तरह से आपको मदद करेगी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए, और अगर कोई भी तरह की और भी कुछ जानकारी देनी हो तो वो आप आईवीटीवी न्यूज नेटवर्क पे आराम से दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, हमारा मैसेज है, हमारे चैनल का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप तमाम चीजें दे सकते हैं। लेकिन आप, मैं चाहूंगा आप जल्द से जल्द आइए तो हमारे चैनल से संपर्क करिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और ये जो आपने बताया जगह, जिला सवाई माधोपुर, वो जिला मुख्यालय से कितना दूर गांव है इसका? 16 किलोमीटर दूर। 16 किलोमीटर दूर, अच्छा। तो आप आ जाइए, ठीक है ना? आइएगा तो हम लोग आपको मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। ठीक, तो हमारे तरफ से जवाब यही था, जो हम ऐसे कैसे मान लें ये आपके घर के लोग हैं, हम ऐसे कैसे मान लें, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कोई भी जब प्रक्रिया होती, जब कोई दावा ठोकता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। हाँ, भले इस प्रक्रिया और प्रोसेस को हम लोग हल्का कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें हम लोग सहयोग कर सकते हैं। जी, तो चाहूँगी कि सबसे पहले आप वो रिकॉर्डिंग सुनिए जो बातचीत की गई है। देखिए, इस वाक्य के बाद एक घटना और याद आ रही है और काफ़ी अचर्चित थी वो घटना। गीता जो 2015 की जो पाकिस्तान से इंडिया आई थी और काफ़ी दिनों तक वो पाकिस्तान में रही, उसके बाद वो इंडिया में, और उस पता चला कि उनका परिवार जो है यहाँ पर है। नहीं, बिल्कुल, अंशु ने भी जब ये घटना बताई, मुझे बताया कि ऐसे, सबसे पहले तो जो बता रहे थे वो डिस्कशन हुआ तो हल्का सा कुछ बताया तो उन्होंने बोले कि ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन वही व्यस्तता की वजह से किसी अन्य खबरों की भीड़ में हम लोग खो गए।
और शायद वो खबर नहीं पोस्ट हो पाई, लेकिन अंशु ने इनिशिएटिव लेके लगा कि शायद दब न जाए खबर, चूँकि खबर इम्पोर्टेंट थी। आप खुद एज्यूम कीजिए दिमाग में कि ट्रेन में हजारों लोग सवार रहते हैं, उस ट्रेन का ट्रेंड ड्राइवर होता है, पटरियों से गुजरती है ट्रेन वो, और उसको कोई मानसिक रूप से कमज़ोर आदमी ट्रेन पे चढ़ जाए उस सीट पर, ड्राइविंग सीट पर, और उसको स्टार्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करे और ट्रेन निकल जाए, तो फिर हजारों लोगों की जान का क्या होगा। मतलब कल आप इस खबर को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत तस्वीर को देखने के बाद कई सारे सवाल है कि कैसे लोको पायलट अंदर नहीं थे, प्रशासन क्या ये ये, ये 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 तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ये सवाल उठ सकता है कि कोई भी आदमी ड्राइविंग सीट तक कैसे पहुंच सकता है, उस केबिन में कैसे पहुंच सकता है। फ्लाइट चलती है तो क्रू मेंबर्स होते हैं, उसमें कोई आम नागरिक कैसे पहुंच जाएगा। आम तो छोड़ दीजिए, वो तो मानसिक रूप से कमज़ोर है, और खुदा न खास्ता अगर वो ट्रेन चल जाती, स्टार्ट तक कर चुका था जो खबरें सामने आ रही, जो शायद जो वीडियो से एस्टेब्लिश हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अगले 2-3 सेकेंड तक अगर लोगों की नज़र नहीं पड़ती तो शायद कोई बड़ी घटना हो सकती थी, ट्रेन आगे निकल चुकी होती। तो किन परिस्थितियों में वो पहुंचा वहां तक, ये सब कुछ जांच का विषय है, और उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ यही सोच समझ के जो रेलवे के एम्प्लॉई हैं या जो भी जिम्मेवार पर्सन हैं, उन्होंने सिर्फ ये समझ के कि ये मानसिक रूप से कमज़ोर है, बस निकाल दिया और फिर मानसिक रूप से कमज़ोर तो वो व्यक्ति है लेकिन जो रेलवे प्रशासन है हाँ, अब देखिए कैसे ट्रेन को खाली करके आप जा सकते हैं, ये सब कुछ जांच का विषय है। ये भी कहना चाहेंगे बिना, देखिए व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, लेकिन जब आप वीडियो को देखेंगे ऐसा प्रतीत होता है जो वो चीज़ों को बार बार वहाँ पर रहते रहते वो देखता था। देखिए मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं उसके पास भी जो चीज़ें होती है, भूख लगता होगा, खाता होगा, सब कुछ है। एक ये हो गया, उसका एक सेटअप हो गया, जो ट्रेन ऐसे ही चलती है, वो चर के जो उस समय का जो फॉर्मेट लग रहा है, क्योंकि उसके बाद उतना, हालांकि ये बातें उठने रही है, लेकिन ये बिल्कुल एक बेहद जांच का विषय है। और इस तरह से लापरवाही अगर होने पर, अगर मान लीजिए वो अगर अवलोकन कर चुका होता, वो स्टार्ट करके अगर निकल गई होती, तो कितना कुछ चीज़ें हो सकती है, इसका कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके पास ये सेंस तो था, जो वो देखता था, तो वो देखते देखते वहाँ तक पहुँचे, लेकिन इसको देखने की विषय है। बिल्कुल, मतलब सपोज कीजिए कि ट्रेन निकल रही होती और जो ट्रेन के जो बैरियर्स होते हैं रोकने का, जो क्राइटेरिया होता है, रेड बत्ती, ग्रीन लाइट, ये आपको लगता है कि वो मानसिक रूप से कमज़ोर आदमी वो ये सब चीज़ें समझ पाता? वो तो ट्रेन को सरपट दौड़ाते रहता, और जहाँ तक बिल्कुल मतलब कल्पना से परे है कि क्या स्थिति होती, भयावह होती। खैर थैंक गॉड वैसी स्थिति नहीं आई, समय रहते देख लिया गया। खैर हम लोग आगे ये चर्चा कर रहे थे कि इस केस में और जो आपने गीता वाला केस बताया उसमें अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। अंशु ने उस खबर को पोस्ट कर दिया, बहुत अच्छे व्यूज जा रहे थे, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि देखो ये खबर चली गई, लेकिन इस पर हम लोग को वर्कआउट करना था, इसको बढ़िया से प्ले करना था, खैर नहीं कर पाए। जब अंशु के पास दोबारा कॉल आया उसके बाद, तो चर्चा हो रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे किसी बंदे ने दावेदारी की है उस मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान के लिए, कि वो हमारे परिवार का मेंबर है, हमारे परिवार का सदस्य है, और ऐसे ऐसे कुछ दिनों पहले या 4 महीने पहले ये बता रहे हैं, उस समय वो वहाँ से यहाँ चला आया। उस समय मेरे दिमाग में ये हुआ कि भाई कोई दावेदारी कर रहा है वीडियो देख करके, तो फिर उसकी दावेदारी में कितनी सत्यता है, क्या है, इसकी पहले पड़ताल होनी चाहिए। और देखने वाली बात है कि कौन है, क्या है, कहाँ का है, क्या नाम है, कब से गायब है, और क्या उतने जितने दिनों से वो गायब है सहरसा स्टेशन पर, क्या उसी आसपास से देखा जा रहा है या उसके पहले से देखा जा रहा है। खैर हम लोग इस विषय पर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंशु बता रहे थे इससे थोड़ा सा इतर गीता वाला और ये वाला प्रकरण है, इसलिए चूँकि गीता जो लेडी थी वो पाकिस्तान में थी और हिंदुस्तान के कई लोग दावेदारी कर रहे थे, तो एक दूसरे देश से इस देश में लाने की जो कवायद होती है वो थोड़ा जटिल होती है प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया में ही कई साल गुजर गए। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है सुषमा स्वराज उस समय विदेश मंत्री हुआ करती थी, उनका अहम रोल था गीता को वहाँ से यहाँ लाने में। यहाँ पे
मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रक्रिया का पालन करने की ज़रूरत है, चूँकि वो जो मानसिक रूप से कमज़ोर बंदा है वो किसी के परिवार का सदस्य नहीं है, या किसी ने गोद में नहीं लिया, या किसी ने दावा नहीं किया है। एकमात्र वो दावेदार हैं जो वो कह रहे हैं, और वो बिल्कुल लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है, स्टेशन पे हो या कहीं भी जा कर के इधर उधर से मांग के खाना हो या कोई दे देता होगा। तो बस मुझे जो लगता है कि सिर्फ उनको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। अगर वाकई में उनके परिवार का मेंबर है और वो ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं या लाने की कवायद कर चुके हैं, तो बिल्कुल उनको आना चाहिए और हम लोगों से संपर्क करें तो भी बेहतर है, हम लोग उनको आगे का रास्ता दिखाएंगे। अगर संपर्क नहीं भी करते हैं तो बिल्कुल सहरसा स्टेशन पर जाएँ, वो बंदा बिल्कुल अगर वहाँ पे जैसा हम लोग को फीडबैक मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि वहीं पे रहता ही है, तो बिल्कुल उसको ले जाया भी जा सकता है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का। ये इसमें सवाल ये भी है कि वो ऑलरेडी मानसिक रूप से कमजोर है। हाँ, लेकिन सवाल यही है कि जब वो मानसिक रूप से कमज़ोर है तो फिर अगर कुछ मामला वहाँ पे बनता है, जैसे कि हमने कहा कि ये मेरे परिवार के मेंबर हैं, आप हमारे साथ जाने को तैयार नहीं हो रहे, तो फिर मामला उलझ सकता है, चीज़ें उलझ सकती है। वहाँ पे पुलिस का रोल होता है कि भाई किस आधार पर, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने बोला है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मंगाया जाए क्या है, और जो हाथ पे लिखने वाली बात है क्या वाकई में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें है। लेकिन मामला बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, और अगर है वो वाकई में उस परिवार का सदस्य तो बिल्कुल उस परिवार तक पहुंचना चाहिए। और हम लोगों से जिस स्तर पे जहां तक होगी बात, हम लोग लगातार कांटेक्ट में, अंशु लगातार कांटेक्ट में है, परिवार के कई लोगों से बात हुई है, सिर्फ महेंद्र जी से नहीं, उनके भाई से भी, कमलेश से भी, बिरुआ से भी बातचीत हुई है, और जो डिस्कशन हुआ है उसके मुताबिक खेती बाड़ी करते हैं लोग, बेहद मुफलिसी के मारे हैं, गरीब परिवार लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है उन लोगों को कैसे क्या होता है, इसीलिए शायद अंशु से अप्रोच कर रहे हैं कि आप मेरे बच्चे को मिला दीजिए, जबकि हम लोगों का क्या रोल था, हम लोगों ने क्या किया वो हम दर्शकों को बता ही रहे हैं कि हमारा तो बस हमारे पास कोई वीडियो आया, अच्छा लगा, हम लोगों ने उसको खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से परोस दिया। लेकिन चलिए अच्छी बात है कि अगर उस वीडियो के माध्यम से कोई किसी परिवार का बिछड़ा बच्चा अगर मिल जाता है तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मिल जाए, और जितना कुछ हो पाएगा उतना किया जाएगा। आगे आगे आने वाले दिनों में हम लोग अभी इसी पर हम एक ये भी कहते रहे कि हम उस चीज़ की पड़ताल भी करेंगे कि क्या कितनी सत्यता है, क्या हाथ में उस जो मानसिक रूप से कमज़ोर युवक है, क्या जो कहा जा रहा है वैसा है कि नहीं है, सहरसा स्टेशन पर कितने दिनों से है वो, कैसे वो घटना हुई थी वहाँ पे, कैसे किन परिस्थितियों में, कितनी देर ट्रेन रुकी थी, किन परिस्थितियों में वो चला गया, कहाँ थे वो ड्राइवर, कैसे क्या हुआ था, ये सब भी आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल यही है जो डेवलपमेंट है, और चूंकि इतने लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसमें, इस खबर से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए, इसीलिए हम लोग बैठे हैं, और बैठने से पहले भी काफ़ी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इसको कैसे क्या प्रेजेंट किया जाए, तो यही लगा। और बिल्कुल आने वाले दिनों में फिर हम बात होगी उनसे, और उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो देखिए 11 सेकंड के वीडियो के बाद कहानी कैसे शुरू होती है, अलग एक ट्विस्ट आ जाता है। बता दें कि 11 सेकंड का वीडियो जो आईवीटीवी के फेसबुक पेज पर डाला गया था वो एक पब्लिक इंटरेस्ट, और ये भी है जो ये बेहद खुशी की बात है और अच्छा लगता है। ऐसे में जब आप मान लीजिए अगर आपके खबर से, और या फिर यूँ कह लें जो हम लोगों के खबर के द्वारा, अगर एक सच में, क्योंकि जो भी व्यक्ति बता रहा है, महेंद्र जो बता रहा है, महेंद्र ये भी कहा जो कल हम अपने घर पर थे और आज कोटा में हैं, हम रेलवे की नौकरी करते हैं, से तो ग्रुप डी की जिक्र उसने की है। तो ऐसे में ये भी है जो आप जो खबर दिखा रहे हैं, इतने लोगों को देखने के बाद अगर सच में वो लड़का, चाहे वो मानसिक विक्षिप्त हो या फिर कुछ भी, अगर वो अपने परिवार से अगर उसकी मेल मिलाप हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण हम लोग का हिस्सा होगा जो हम लोगों ने एक नेक काम किया। और एक चीज़ जो अंशु की बातों से मैं पकड़ रहा हूँ कि जो महेंद्र की बातें बता रहे हैं वो कोटा में रेलवे से ही जुड़े हुए हैं, वो ट्रेन वगैरह से ही मतलब चलाने
का कुछ करते हो या जो भी हो, और वो मानसिक रूप से कमज़ोर बंदे ने ट्रेन चलाने की ही कोशिश की है, ड्राइवर की भूमिका निभाई है, और जॉनसु बता रहे थे कि शायद वीडियो में एस्टेब्लिश भी है कि स्टार्ट तक कर चुका था, तो एक चीज़ जो को रिलेट कर रही है वो शायद हो सकता है कि उसी परिवार का जीन एक होता है ना कि देखा होगा सुना होगा, शायद चाचा के साथ चाचा के साथ गया भी होगा कभी ट्रेन अगर चला रहे होंगे, पता नहीं क्या है, तो ये चीजें मुझे लगता है कि शायद रिलेट कर रही है, पता नहीं कितनी सच्चाई है। ये भी एक कोरिलेशन है उसमें कि वो सहरसा स्टेशन पे ही रह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखिए हम लोग जो अपलोड किए थे पेज पर, फेसबुक पेज पर, आईवीटीवी ने जो वीडियो अपलोड किया था 11 सेकेंड का, वो एक पब्लिक इंटरेस्ट और इस व्यू से हम लोगों ने डाला था कि ये सच में देखने लायक और इंटरेस्टिंग खबर है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 25 लाख लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है, 25 लाख में से एक कॉल आता है वहां से एक व्यक्ति का जो ये दावेदारी कर रहे हैं कि जो वीडियो चलाया गया है जिसमें वो व्यक्ति हैं जो ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके परिवार के हैं। हालांकि बातचीत चल रही है, आगे जो भी अपडेट इस खबर जुड़ी आएगी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और बता दें कि जो परिवार ये दावेदारी कर रहा है, राजस्थान का एक परिवार है जो दावेदारी कर रहे हैं, अगर उनकी मदद भी हुई तो आईवीटीवी उनको ये मदद जरूर करेगी। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें आईवीटीवी के साथ। धन्यवाद। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।